या सिर्फ और सिर्फ चार दीवारों के लिए? क्यों क्यों क्यों? मैं पागल हूँ। चलो मम्मी कहती थी, ओ एक बात तुम एक पीना ही भूल गया। कल मैं गया, मैंने कहा रक्षे वाले अंकल सदर जाएगा, वो हंसा। मैंने कहा अरे सदर जाएगा, उसने कहा जिस तरह के हालात चल रहे हैं सदर नहीं वजीर आला जाएगा। ओ मैं क्या बोल गया, दीवालों के भी तो कान होते हैं, लगता है सबने मेरी बात सुन ली। तुम्हें पता है कि लोग क्यों पागल होते हैं? क्योंकि कुछ हादसे की वजह से लोग पागल होते हैं। वो आसमान देख रहे हो वो तो नीला है, लेकिन इन लोगों के दिल काले हैं। लोग बोलते हैं कि पागल तो पागल होता है, पर हम पागल नहीं, हमें कहने वाले लोग पागल हैं। ओ लगता है रात हो गई है, अम्मी कहती थी रात होने से पहले सो जाया करो वरना बहू आ जाएगा। लगता है बहू आ रहा है। ओ मानो तू सो, मैं भी सोता हूँ। ओ ख्वाब में मेरी माँ आई थी, कब से चुपन छुपाई खेल रही थी, 1 2 3 4 आ ही नहीं रही थी, 1 2 3 4 आ ही नहीं रही थी, आखिर ख्वाब में आ गई। तुम्हारी माँ, तुम्हारी, तुम सबकी माँ है ना, पर मेरी तो माँ ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में आती है और कहती है पाकिस्तान की हर माँ तुम्हारी माँ है। तो मैं तो यतीम नहीं हुआ पाकिस्तान। माँ कहती है कि तुम पागल नहीं हो, वो लोग पागल हैं जो तुम्हें पागल कहते हैं। मुझे पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है, मुझे हर पागल को पढ़ाना है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज सब तक पहुँचेगा। एक बात तुम्हें कहना भूल गया, अगर लोग चाकू से खून करते हैं, अगर वो कलम की नोक से कुछ लिखें, तो हमारा मुल्क कामयाब हो जाएगा। हमारे मुल्क को कहने वालों ने पागल बनाया है। मुल्क पागल नहीं, यहाँ के लोग भी पागल नहीं। जो कहता है कि वो पागल है वो खुद पागल होता है। तो चलो टीपू पागल कौन है? मैं हूँ, लेकिन अब तक के लिए, अब कोई पागल पागल नहीं कहेगा, हर पागल को मैं पढ़ाऊंगा और एक नया मुल्क बनाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास आ रहे हैं एक और हमदर्द स्कूल से एहसान इब्राहिम। सबसे पहले मैं आपको इमरान खान की पैरोडी करते हुए लगाऊंगा, कल्चर पाकिस्तान का बहुत बहुत बड़ा रुख है, नवाज शरीफ की हुकूमत इस कल्चर के लिए इतना बड़ा खतरा ना, दुनिया में रहा नहीं सकता, कितनी बड़ी कयामत आ रही है। लेकिन अब नवाज शरीफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि कौन फिल्ला कर बैठे हैं, वो कर बैठे हैं। नवाज शरीफ बच भी गया, मेरा नाम बदल के चुचे की आला रख देना, सिर्फ 100 रुपया तुम लोग देना, मैं बहुत अच्छा मांगने वाला, सिर्फ 100 रुपये नवाज शरीफ को बाहर कर देना है। अब मैं आपको शहबाज शरीफ की ऑर्डर दिलाऊंगा, कैसे बार कर देना आपने, कैसे बार करना आपने नवाज शरीफ को, आप बड़े भैया को हरगिज हरगिज बार नहीं कर सकते, आपको अगर मैंने सड़कों पे नहीं घीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। अब मैं आपको बिलावल भुट्टो की पैरोडी करके दिखाऊंगा, अंकल आंटी आप अपने नामालूम अफराद को संभालें, एस मलिका तरन्नुम से नीमे कलाशन को निशाना धज धज बजता, मेरे जैसे लड़के के लिए किसी लड़की को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होगी। सिटी स्कूल के हेड स्टार्ट जूनियर स्कूल के मुस्तफा इरफान आ जाएं, सिटी स्कूल के वासिफ जैदी और सिटी स्कूल के मोहम्मद अहमद खान। Yeah.
वासिफ जैदी सिटी स्कूल से वासिफ जैदी। दिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, बरगुल तेरा याद है भूला के हाथों, चुपचाप सही मसले हटन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, मिडिल क्लास पाकिस्तानी पेरेंट्स, यू नो वो पेरेंट्स जिनकी गाड़ी में ऑटो लॉक सिस्टम होता है बट वो गाड़ी लॉक करने के बाद चेक करते हैं कि गाड़ी लॉक हुई है या नहीं हुई, यू नो वो पेरेंट्स जब आप एसी ऑन करो तो डैड मुझे बोलते हैं मुहीर दरवाजे के नीचे ना चादर बिछा दो कि ठंडी हवा बाहर ना निकल जाए। So you know, I have this typical violent father of mine, okay, and his go-to for everything was बेटे को दे बधेड़,
धेबधेर मतलब पिटाई, यू नो, एग्जाम में फेल हुआ धेबधेर, लड़ाई में पकड़ा गया धेबधेर, लड़ाई में किसी को मारता हुआ पकड़ा गया धेबधेर, लड़ाई में किसी से पीटता हुआ भी पकड़ा गया, उसको छोड़ के इसी को ही धेबधेर, मतलब डैड उसी को ही मारने देते ना यार, यू नो। और अब तो ये लोग डिसलेक्सिया का बोलते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया, इसको नहीं मारे, ऐसा कुछ नहीं होता, बाप की मार पड़ती है ना, सब सेट हो जाता है। एंड इट वर्क्ड, आई बिकेम अ जीनियस इन मैथ्स। कौन कहते कि आप मैथ्स रट नहीं सकते, मैं रट सकता हूँ, यू नो, एग्जाम में क्वेश्चन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं लिख कर आ गया 5 पता है। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए क्वेश्चन चेंज किया, यू नो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो शो द मेथडोलॉजी। अब मैं कह रहा हूँ यार ये तो नहीं आता, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैड से एक और धेबधेर का सेशन ले लूंगा, हो जाएगा सर। यू नो देयर आल्सो अनदर टाइप ऑफ फादर्स हु वोंट गिव अ केयर अबाउट एनीथिंग यू डू, यू नो, लाइक पापा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंजीनियरिंग लूं या कॉमर्स लूं, पानी लेकर आ पहले, चल पानी लेकर आ, यू नो, यू नो, लाइक 80% ऑफ द कन्वर्सेशन विल हैपन ओनली 3 सेंटेंसेस। पेपर हो गए तुम्हारे, पेपर मिल गए, जाओ थाई लेकर आओ, लाइक यू कांट इवन कन्विंस हिम टू बाय समथिंग फॉर यू, लाइक लाइक मैं कहता हूँ ना डैड से, पापा आईफोन ले दो ना, देन ही गोज लाइक क्यों, नोकिया 3310 पे आवाज सही नहीं आती क्या, आई एम लाइक नहीं पापा, वो ना हाथ में अच्छा नहीं लगता बेटा, हाथ में तू भी अच्छा नहीं लगता था जब तू छोटा था, हमने कौन सा बदल दिया, यू नो। सो I often go to my parents to ask for permission and he goes like, I go like, you know, like, Papa, jaane do na, mere saare dost ja rahe hain. Then my dad goes like, agar tumhare dost building se koode, to tum bhi koodoge kya? Plan to Arina jaane ka tha, suicide ke baare mein socha nahi tha humne, mere baap. You know, like, suicide ke baare mein humne socha nahi tha. मेरे दोस्त ना ही कोई बेरोजगार इंजीनियर्स हैं और ना ही कोई सस्ते आशिक जो कि सुसाइड कर लें। एंड देयर आर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डैड्स, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट आवर मॉम्स, ओके, नो, ब्राउन मॉम्स, एंड द थिंग अबाउट ब्राउन मॉम्स इज दैट दे शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड देयर इज वन फेमस डायलॉग ऑफ अ ब्राउन मॉम एंड दैट इज, नहीं ला रहे धई, पैसे दो मैं ले आती हूँ, and that one dialogue hits you right in the feels, right, hits you, one thing she asked me to do you know, that hits you right in the feel. Okay guys, the thing is that if I talk about my parents now aur unko ye baat pata chal gayi ki maine unke bare mein ye bola hai to ghar pe mera de bader hona hai, so I have to go, you guys have been a great audience, thank you. Singer ko bula rahe hain the city school se, Mohit Irfan aa jaye aur Rubab Hussain dono aa jaye stage pe. चाहूं बिखड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, चाहूं बिखड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा अभी डूबा तो नहीं।
आपने. अब हम एजुकेटर से मरियम वहीद और समी खान, मरियम वहीद और समी खान सिंगिंग कंपटीशन के लिए. मरियम वहीद एजुकेटर से और समी खान. समीर खान है बीकानेर से.